तमाम फील्ड में अपने आप को बहुत बनवाया है और लोग मुतासिर हुए हैं। मेरी मुराद जनाबे रईस कासमी साहब से इस वक्त है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जोरदार तालियों से मोहतरम रईस कासमी साहब का इस्तकबाल। आमीन, अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अहमद, इस इलाके के जितने नुमाइंदा नौजवान कलमकार हैं, यहाँ मुकाबला चलता है लेकिन आला जरफी का मुकाबला यहाँ चलता है, अपने एहसासात का, अपने कल्ब का, अपनी कुर्बानियों का। तमाम नुमाइंदा नौजवान इस इलाके के जो शायर हैं, मैं उन्हें कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद दूँ, लेकिन ज़्यादा मुबारकबाद कि तकलीफ मेरी मौत की पाबंद नहीं है। तकलीफ मेरी मौत की पाबंद नहीं है, मर के भी मैं उर्दू के रिसालों में मिलूंगा, मर के भी मैं उर्दू के रिसालों में मिलूंगा। ज़हीर अहमद साहब के लिए आज का दिन, यहां तक जितनी उम्र गुजरी है, सबसे अजीम दिन आज का दिन। क्यों? क्या ज़हीर अहमद साहब साहिब दीवान हो गए? कुछ शेर ने इरशाद, आप बैठे हो, आपने नहीं सुना? जी जी, मेरे दिगर सारे शायर हैं, दिगर सारे मेहमान, शकील साहिब साहब, अनीस नैयर साहब, के जहन में उठते ख्यालात, जहन में उठते ख्यालात मार देते हैं, जहन में उठते ख्यालात मार देते हैं, जरूरतों के सवालात मार देते हैं, जहन में उठते सवालात मार देते हैं, जरूरतों के सवालात मार देते हैं, किराया, कर्ज, किताबें और उस पे बीमारी, किराया, कर्ज, किताबें और उस पे बीमारी, गरीब फर्द को हालात मार देते हैं। दिया साहब के हुक्मों की तामील थी, उन्होंने कहा कि कल रात वाहिद अंसारी साहब मेरे पीर बैठे हुए थे, सरवर साहब का नाम था, वो आ नहीं सके। अच्छा, जैसा आप चाहें भाई, अल्ताफ दिया साहब आ जाए, आप तालियां बजा दे। भाई साहब सबका वक्त है, अल्ताफ दिया साहब आएंगे। जनाबे सलीमुद्दीन साहब अमरावती की सरजमीन से, जिनकी सदारत की बरकतें हमें हासिल हैं, इस इलाके का बेहतरीन खादिम तैयब भाई, सगीर भाई, कारपोरेटर, सीनियर तजुर्बाकार, बूढ़ा लेकिन काम में नौजवान कारपोरेटर ताजुद्दीन साहब बैठे हुए, भाई अल्ताफ दिया साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम रफीक सरवर साहब, दयान अंसारी, अनीस बोस्तानी साहब भी बैठे थे, जफर, सुहेल आज़ाद, जमील, शेख प्रताप, नदीम के ताल्लुक राफ्ता औकात और शजरा बताता है। ताल्लुक राफ्ता औकात और शजरा बताता है, कभी औकात दरिया की कोई कतरा बताता है, कभी औकात दरिया की कोई कतरा बताता है, कभी औकात दरिया की कोई कतरा बताता है, और यहाँ पर रोज होती है सखावत की नुमाइश भी, ये मक्कारी अमीर शहर का बेटा बताता है, ये मक्कारी अमीर शहर का बेटा बताता है। हमारे यूनुस कासिम साहब, अनीस अज़हर साहब, मैं फिर ज़हीर अहमद साहब का मुबारकबाद दूँ कि फिक्र लफ्जों में ढाल देता है, फिक्र लफ्जों में ढाल देता है फिर वो फन को कमाल देता है, और साथ का कर्म होके रानाई सब तो जल्ले जलाल देता है, साथ का कर्म होके रानाई। आरिफ जमा साहब के साथ का कर्म होके रानाई सब तो जल्ले जलाल देता है, और वो फिरौन सिफतों के लिए कि वो अमीरों से छीन कर लज्जत सूखी रोटी में डाल देता है, वो अमीरों से छीन कर लज्जत
है बाबा, सूखी रोटी में दाल डाल देता है। कि ऐ जमीन हाफी बेटा मोबाइल मत देखो, मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, कुछ देर मेरी तरफ देखो। क्या बात। कि ऐ जमीन तू ही बता, ऐ जमीन तू ही बता क्या क्या निशानी दे चुके, ऐ जमीन तू ही बता क्या क्या निशानी दे चुके, हम हुकूमत सल्तनत और राजधानी दे चुके। क्या बात है। हम हुकूमत सल्तनत और राजधानी दे चुके, अब मरमरी आंचल न भूलेगा कयामत तक उसे, हम बनामे इश्क अनमोल कहानी दे चुके। भाई हमारे जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सदर आली वकार सैयद सलीमुद्दीन साहब पजीराई कर रहे हैं मोहतरम रईस कासमी साहब। कि काश मेरी बात पे कर ले यकीन चांद, देखना सर नदीम जमील। कि काश मेरी बात पे कर ले यकीन चांद, ऐ काश मेरी बात पे कर ले यकीन चांद, देखा है मैंने तुझसे ज्यादा हसीन चांद। क्या बात है। देखा है मैंने तुझसे ज्यादा हसीन चांद, देखा है मैंने तुझसे ज्यादा हसीन चांद, देखा है मैंने तुझसे ज्यादा हसीन चांद, और तैबा की खाक चूम रही है, तैबा की खाक चूम रही है तेरी किरण, तैबा की खाक चूम रही है तेरी किरण, तू भी तो है गुलाम शहर मुर्सलीन चांद। और आखिरी चार इसे पढ़ता हूँ नौजवानों के लिए कि ये सांस ये सुल्तान गजल किसने दिया है, ये सांस ये सुल्तान, ये सांस ये सुल्तान गजल किसने दिया है, ये सांस ये सुल्तान गजल किसने दिया है, तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है, ये सांस ये सुल्तान गजल किसने दिया है, तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है, और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है, ईमान की है बात तो ईमान से बोलो। एक पत्ता जिससे मैं हमेशा आगाज करता हूं, हमारे अशफाक आलम साहब, मतीन सहजाद साहब, इस्माइल मदनी साहब बैठे हुए, एक पत्ता इरशाद अकरम साहब जी जी नायक नायक अकीदतों में डूबे रहते हुआ मसला सुन ले आप, और जिसको अकीदत की दौलत मिल गई किसी और दौलत की जरूरत नहीं, कि जो आंखों में चमक है, आरिफ जमा साहब, जो आंखों में चमक है, जो आंखों में चमक है, जो आंखों में चमक है, जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, मुंतजिम साहब, आंखों में चमक है पांव के, जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है, जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है। अल्लाह बहुत कामयाब करे सैयद अकमल साहब को, बड़ी मेहनतें उनके दिगर सारे अहबाब जिन्होंने इस किताब के लिए बड़ी मेहनतें की, अल्ताफ जिया साहब यहाँ मौजूद है, वाहिद अंसारी साहब की ढेर सारी दुआएं आज के प्रोग्राम में, और दिगर सारे वो उस्ताद शोराए कराम जिन्होंने आज जहीर अकमल को अपनी दुआओं से उनकी झोली को भर दिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितने साहबान बैठे हैं, जैसा कि इरशाद अंजुम ने कहा कि यार 250 रुपये इसकी एजाजी कीमत रखी गई, 300 रुपये, लेकिन यहाँ से 250 रुपये में तो होना ये चाहिए कि इतनी किताबें इसकी चली जाए कि इस इलाके के जो लोहे से टकराने वाले शायर हैं उनको ये लगे कि हम झोपड़ों में हम झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन हमारी कद्र करने वाले हमारे शहर के कदरदान जिंदा है, जिंदाबाद है। तो मैं मेरी अपनी ओर से 2100 रुपये का छोटा सा इनाम